गाइस हमने कितना पावरफुल वाटर पंप बनाया भाई, बहुत ही इजी तरीके से हमने बनाया है, ठीक है। तो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ऐसे होंगे और ऐसे रहना, ठीक है ना। तो गाइस देखो, आज का प्रोजेक्ट बहुत ही मतलब इजी है बट आप लोगों को मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा। तो गाइस आज का प्रोजेक्ट है हम कैसे घर में डीसी वाटर पंप बना सकते हैं, तो वही है आज का हमारा प्रोजेक्ट। तो चलो गाइस आज का प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं। उसके पहले गाइस जो लोग चैनल को नए सब्सक्राइब किया हो प्लीज़ गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। न्यू जब वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस इसको बनाने के लिए गाइस आपको पीवीसी पाइप चाहिए, तो उसके बाद ये दुकान में मिल जाता है। तो गाइस हम क्या करेंगे, इस पीवीसी पाइप को मतलब साइड करके थोड़ी सी काट लेंगे, इतना माप करके हम इनको काट लेंगे। तो गाइस काटने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, तो इसको ड्रिल मशीन में इसका आगे मतलब काटने का जो होता है उसको लगा के इनको काटेंगे, ठीक है ना भाई। ये काटने के लिए भाई बहुत सावधानी होना चाहिए भाई, ये नहीं तो कुछ भी हो सकते हैं भाई, हाथ पाँव भी काट सकते हैं। तो गाइस हम इनको दाग दे दिया, उसके साथ हम इनको थोड़ी थोड़ी करके काट लेंगे, ठीक है ना। तो काटने भाई पहली बात तो ये बहुत ही सावधानी से काटना, कुछ भी हो सकती है, आप लोग को मतलब देख के भी करना है। तो भाई देखते मैंने यहाँ पे काट लिया, उसके बाद हम इनको घास के पूरा मतलब एकदम से यहाँ पे मतलब साइज कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब क्या बताओ मतलब बांका टेढ़ा है, तो इनको हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इनको क्या पूरा मतलब सीधा करके हमने यहाँ पे काट दिया, ठीक है ना, गोल जैसे होता है ऐसे काट दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पीवीसी पाइप को लेके इसको सीधा कर लिया, मतलब ताप दे के इनको सीधा कर लिया। उसके बाद हमें जो गोल के ना उसके माप के दो यहाँ पे काट लेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम इन पे माप कर लेंगे, तो माप करने के बाद हम इनके जैसे दो मतलब पीस करेंगे, गोल गोल करके दो पीस करेंगे, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो हमने यहाँ पे माप भी कर लिया, तो उसके बाद हम इनको काटेंगे, ठीक है ना। काटने के लिए गाइस हम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने गाइस यहाँ पे चाकू देके इसको काटा है, ठीक है ना। तो भाई सावधानी से काटना, कोई हाथ पाँव में लाग सकते हो, तो मेरा हाथ भी छिक काट गया। तो गाइस देख सकते हो हमने यहाँ पे दो पीस कर लिया पीवीसी पाइप को गोल आकृति करके, मतलब गोल पीस करके। तो गाइस ये पीवीसी पाइप से आ जाता है, तो गाइस देख सकते हो हमने दो पीस मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इनको घिस लिया। घिसने के बाद ये भाई गोल शेप में आ गया। तो उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, गाइस ये जो गोल आकृति है ना उसको हम क्या करेंगे, पहली तो गाइस देख सकते हो हमने क्या क्या लिया है यहाँ पे। यहाँ पे जो गाइस ये भी देख सकते हो गोल गोल है, ये जो रैकेट आता है ना उसमें, तो मैंने यहाँ पे इन एक आउटडोर के लिए एक इंजन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहली तो ये जो गोल शेप है ना इसको हम पहले एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल का पूरा मतलब बीम तो एक मैंने इनका अंदर एक होल करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस देखो ये होल करने के बाद बहुत दिक्कत हो रहा था, मतलब ठीक से होल नहीं हो रहा है, इनको माझे से होल करना है, तो धार में हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो गाइस देखो तो हमने यहाँ पे माझ में होल कर लिया। तो उसके बाद हम इसे देखेंगे कौन सा मोटर लगाएंगे बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटर नहीं है, बट 5-6 तो मोटर होगा मेरे पास, तो देख रहा हो अभी कौन सा मोटर होगा तो अच्छा होगा। गाइस मैंने देख लिया, उसके बाद मेरे पास में एक ही ज़्यादा RPM वाला तो है, तो उसको हम लगाएंगे। गाइस देख सकते हो यह जो हाथ में है मेरा एक बहुत ही ज़्यादा RPM वाला है, इसको गाइस आज हम लगाएंगे जो वाटर पंप बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। गाइस हम देख सकते हो यहाँ पे लगा रहा है, तो ठीक ठाक हो रहा है, नहीं कि पहले देखना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत होगा। तो गाइस उसके बाद देख सकते हो हमने थोड़ा ज़्यादा होल कर लिया इसको मतलब ठीक से लगाने के लिए। तो आप ऐसे फूल जैसे मतलब आँख के यहाँ पे माच बराबर होल कर माच ऐसे होल कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे जो ग्लू आता है ना जो फेविक्विक उसको लगा के हम इसको एक सेट कर देंगे, ठीक है। गाइस आप भी सेट कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पे जैसे तो अच्छे तरीके से यहाँ पे चिपक गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब फेविक्विक बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, यहाँ पे फेविक्विक यहाँ पे चिपक गया। तो उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, ये जो देख सकते हो ये जो मतलब हम इनको एक मशीन से निकाले, इनको जो मतलब जो होल है ना उस होल को पहले बुझाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस होल को बुला लेंगे, नहीं तो यहाँ पे मतलब वाटर ना उठने का दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम पहले इनको होल को मतलब देख सकते हो यहाँ पे होल को हमने लगा लिया, तो होल बुझा लिया। तो एक जल्दी बताओ मतलब मैं बंगाली से तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई उसके बाद हम इनको लगाएंगे, ठीक है ना। लगाने का भाई बहुत दिक्कत हो जा रहा है, ये मतलब जो पंखा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बड़ा है यहाँ पे छोटा है। तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक देसी जुगाड़ लगाएंगे। क्या देसी जुगाड़ लगाएंगे, हम ये पेन को ना का पेन काट लिया छोटी सी जगह, जैसे पेन काट लिया उसको हम क्या करेंगे इससे फैब्रिक से लगाएंगे। तो फैब्रिक से लगाएंगे से मतलब बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे, और उसके साथ मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से चिपक जाएंगे, जिससे
यहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होगा और मेरा मतलब वाटर पम्प जो होगा ना भाई कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत नहीं होंगे तो आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप भी यहाँ पे चिपक लेंगे। तो क्या दोस्तों हमने यहाँ पे लगा लिया, उसके बाद क्या करेंगे मोटर के थोड़ा सा मतलब ग्लू दे देंगे जिससे मोटर से साथ बहुत ही अच्छे से अटैचमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद हम इनको लगा लेंगे, तो लगा लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको जो कहीं सरफेस देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से हम ग्लू मतलब लगा लिया, ग्लू स्टिक जो आता है उनको मतलब हीट करके लगा लिया। तो उसके बाद यहाँ इसको ऐसे लगेगा और साइड से हम क्या करेंगे ग्लू दे के पूरा आटा कर लेंगे जिससे मेरा मतलब जो पानी होगा ये निकल भी नहीं पाएगा और जा भी नहीं पाएगा। उसके पहले हम लोग को यहाँ पे फूटा करना मतलब होल करना पड़ेगा जिससे हम लोग का पानी आउटटेक हो सके, इंजेक्ट और से होगा आउटटेक हो सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक होल भी कर लेगा जैसे, तो हमने यहाँ पे होल कर लिया तो उसके ऊपर से हम क्या करेंगे एक जो हमने काटा ना उसको लगा लेंगे, उसको लगा के हम ग्लू स्टिक से यहाँ पे चिपक देंगे जिससे जो आउटटेक पानी निकलेंगे ना इससे निकालेंगे। तो आप थोड़ी थोड़ी समझ मतलब समझ पा रहे हो मेरे बात को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसका ऊपर में ग्लू स्टिक दे देंगे और यहाँ पे फुल्ली कवर हो जाएंगे जिससे बहुत ही अच्छा लगे। तो गाइस देख सकते हो हमने यहाँ पे जो ग्लू है लगा लिया तो बहुत ही अच्छा तो लग रहा है अभी, तो काम करेगा नहीं मेरे को भी मैं पता जितना हो सके होंगे। तो उसके बाद इनका भी जो इनटेक के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे होल करेंगे, इनटेक के लिए बहुत ज़्यादा होल कर लिया। तो उसके बाद गाइस आम इनको जब लगाएंगे ना बहुत ही सावधानी से लगाना पड़ेगा, क्यों गाइस ऐसे क्यों बता रहे हो, तो गाइस देखो यहाँ पे लगाने से थोड़ा इधर से इधर हो जाएगा ना तो ये मतलब राउंड होगा नहीं, तो राउंड नहीं होगा तो यहाँ पे पानी उठेगा कैसे। तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से लगाना पड़ेगा जिससे हम लोग का जो पंखा है ना बहुत ही ईजी तरीके से घूर ईजी तरीके से राउंड हो जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक देकर लगा लिया, तो उसके बाद गाइस देख सकते हो बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मेरे को लग रहा है तो ये मतलब बहुत ज़्यादा पानी निकालेंगे, तो जो आप भी बना सकते हो घर में। तो देखो गाइस उसके बाद हम इसका ढक्कन भी लगा देंगे, ग्लू लगा लेते कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है मतलब ईजी तरीका है। तो आपको थोड़ा मतलब समझ मतलब थोड़ा आपका ब्रेन को यूज़ करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसको भी ग्लू स्टिक दे के पूरा अटका देंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे देख सकते हो ये जो वाटर पम्प मैंने बनाया है ना उसमें हम लोग ग्लू गान दे के फुल्ली कवर कर दिया, ठीक है मतलब देख सकते हो यहाँ पे पानी नहीं निकल सकते मतलब बतास जो है यहाँ पे यहाँ से मतलब अंदर जाएगा और यहाँ से निकालेंगे, ठीक है मतलब निकालेगा तो यहाँ पे इंजर्ड होगा यहाँ पे आउट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग पूरा कर दिया। उसके बाद और आज का जो प्रोजेक्ट है ना हम लोग देखने वाला ये कहीं मतलब सच में काम करते हैं ना मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैंने तो बनाया भाई पहली बार मतलब आगे मैंने बनाया बट वीडियो नहीं बनाया, तो पहली बार वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरे को भी नहीं पता ये काम करेगा ना नहीं करेगा, मेरे को तो लग रहा है काम करेगा। तो चलो गाइस ये पे वाटर पम्प देख लेगा आप इनको ट्राई करेंगे इस हज में चलता है नहीं चलता है। तो चलो गाइस और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैंने इसको भाई बहुत मेहनत से भाई बनाया है। चलो गाइस हम इनको टेस्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम क्या करेंगे पहले सोलर से जुड़ेंगे, उसके बाद हम बाइक के बैटरी 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ेंगे। पहले गाइस देख सकते हो मेरा छत में एक सोलर है, तो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो उस सोलर में पहले हम इस वाटर पम्प को जुड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे ये मतलब जल को निकल सकता है कि नहीं है। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे जुड़ रहा हूँ सोलर के साथ में, तो इसमें गाइस देखो मैंने चला लिया, इसका साउंड भी गाइस आप सुन सकते हैं बहुत ही ज़्यादा साउंड तो नहीं हो रहा है बट साउंड हो रहा है। तो यहाँ पे अंदर जो पाखा हो रहा है इसके वजह से गाइस इनके सामने से गाइस थोड़ी थोड़ी हवा भी आ रहा है तो सामान गए हो गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसके वोल्टेज बहुत ही मतलब आज तक सूरज नहीं उठा है तो वोल्टेज बहुत ही कम है, तो इसमें हम ट्राई करेंगे पहली बार। तो गाइस देख रहे तो हमने यहाँ पे रेडी कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे हम इनको लगा रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है थोड़ी थोड़ी करके तो होगा ये जैसे तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो उसके बाद गाइस देखो यहाँ पे पानी निकल रहा है भाई बहुत ही धीरे धीरे पानी निकल रहा है वोल्टेज लो, तो इसलिए मेरे को लग रहा है वोल्टेज लो के लिए। तो पानी भाई निकल रहा है भाई बहुत तेज नहीं बात पानी निकल रहा है यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी थोड़ी करके नहीं बहुत ही ज़्यादा तो नहीं निकल रहा है बट स्पीड नहीं हो रहा है पानी तो निकल रहा है और इनका जो तो बस यहाँ पे देखो मतलब थोड़ी थोड़ी तो पानी निकल रहा है बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है बहुत ही मेहनत से बना है बट पानी निकल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाई देखो उसके बाद हम क्या करेंगे 12 वोल्ट बैटरी चलेंगे, उससे तो वोल्टेज कम नहीं होगा, उससे देखेंगे कैसे भाई परफॉर्मेंस होता है गाइस आप देखो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हो 12 वोल्ट बैटरी उससे हम इस पर चलाएंगे अभी।
तो ये दो तार है, तो भाई देख सकते भाई भाई कितना ज़्यादा भाई मतलब पानी निकलेगा, देख सकते हो भाई फिर से हम करते हैं कितना ज़्यादा पानी निकलेगा, देखो वन कितनी स्टार्ट गई, देखो कितना ज़्यादा मतलब घंटे से पानी निकल रहा भाई, देख सकते हो उसमें तो थोड़े भी नहीं पानी निकल रहा भाई, इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी निकल रहा है, मतलब देने के साथ साथ मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से पानी निकल रहा है भाई, ये तो मतलब प्रोजेक्ट है बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से सक्सेसफुल है भाई, बहुत ही स्पीड से भाई पानी निकल रहा है भाई, मेरे को भी देख के भाई बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, पहली प्रोजेक्ट बनाया है भाई उसमें सक्सेसफुल हुआ है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद बाद में तो प्रोजेक्ट भी आने लगेंगे, तो उसके बाद गाइस ये देसी तरीके से हमने बनाया है, तो आप इनको भी बना के भाई आप बता सकते हो, मेरे को भी ट्राई कर सकते हो वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसमें छोटो तो छोटा में भाई बहुत ही दिक्कत है, इसलिए हम क्या करेंगे बड़ा बर्तन के लेके आएंगे, कहीं देखते हो बड़ा बर्तन में लेके उसके बाद चला भी गया कितना गाइस, देखो ज़्यादा स्पीड से पानी निकल, मतलब इसके बाहर चला जा रहा है इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है, और ये जो मतलब है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मतलब थोड़ी थोड़ी पानी निकलने बाद जब छोटा होगा ना बहुत ज़्यादा पानी निकलेंगे, ऐसे आप समझ सकते हो। तो गाइस देखो क्या बताओ, मेरे को कुछ मतलब समझ में आ रहा है, इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है मेरे को भाई, मतलब होम मेड में इतना ज़्यादा पानी निकल रहा है, यही तो मैं सोच रहा हूँ। और इस देखो आप भी बना सकते हो कैसे, देखो इस बार हमने इनका नोजल छोटा कर दिया, कैसे ये देख सकते हो, ये जो सेल्फी स्टिक होता है सेल्फी स्टिक का अंदर जो होता है ना वही वाला यहाँ पे रोड लिया है, तो उसके बाद हम इनके ट्राई करेंगे जैसे कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है अभी, मतलब अब आपको देखते बाद लग रहा होगा बहुत ही कम पानी निकल, बाद बहुत ही ज़्यादा पानी निकल रहा है भाई, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है भाई, प्रेशर भी खतरनाक प्रेशर है, और यहाँ पे देख सकते हो मतलब पानी तो निकल रहा है। और वीडियो को लाइक कर देना भाई, जिन लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और आप होम मेड बना सकते हो ऐसे करके, तो भाई देखते हो वहाँ पे पानी निकल रहा है, इसलिए मैं हम नहीं कर रहा है मेरे घर में पानी चला जा रहा है। तो उसके बाद हम देख सकते हो यहाँ पे बर्तन भी काम कर रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा पानी निकल रहा है, मेरे को भी इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना ज़्यादा पानी निकल जाएंगे इस मतलब वाटर पम्प में। अरे भाई बहुत ही बड़ा था इसमें तो, मतलब इससे जो बड़ा मोटर होता है ना 750, तो वो मतलब